का पूजा कैसा हो रहा है? माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा का विधि विधान अपना निश्चित है, उसी के अनुसार पूजा होता है। बनारस से बाहर से पंडित आए हुए हैं और अखंड पाठ चल रहा है। यह अब एक प्रशस्त पीठ के रूप में विख्यात हो चुका है। यहाँ भक्त जो आते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और सच्चे के सच्चे दिल से माता से प्रधान प्रार्थना की जाए। इस दफे विशेष बात यह है कि प्रथम दिवस नवरात्र के प्रथम दिवस से ही अपार भीड़ मंदिर में सुबह से शाम तक लगी जाती है, इसलिए आस्था की कहीं कमी नहीं है। हाँ, स्काउट संघ का इस दफे कोरोना के कारण नहीं है, इसके कारण थोड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है, लेकिन लोग अब स्वयं डिसिप्लिन्ड हो गए हैं और भक्ति भाव से आ रहे हैं। बच्चियाँ हैं, दिन भर यहाँ कीर्तन होता रहता है, गीत लगाते रहते हैं, माहौल भक्तिमय बना रहता है और माता सबको समान रूप से दृष्टि रख करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये सिद्धपीठ के रूप में सारे हिंदुस्तान में अब विख्यात हो चुका है, इसकी महिमा की चर्चा चारों तरफ हो रही है और दूर दूर से नेपाल से और दूर दूर से लोग आकर के यहाँ माता के चरणों में अरदास करते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कराते हैं। जय माता। सर, इस बार का जो पूजा है और पिछले बार की पूजा आप लोगों ने देखा है, तो इसमें इस बार के पूजा में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ पूजा होता था, जो जो सही ढंग से पूजा होता था, वहाँ आज भी पूजा हो रहा है शहर में। यह है कि मूर्तियाँ कम बैठी हैं, ये बात सही है, लेकिन इसकी अपनी मजबूरी है क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल वैसे तो पालन नहीं हो रहा है, संभव भी नहीं है इस ढंग फेस्टिवल्स में, लेकिन सरकार की नज़रिया है, समानता को यह निर्देशित है कि वे इस विषय में स्वनिर्णय करें। स्वनिर्णय उनका है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्थिति है उसमें सबों को सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। जय माता दी। पूजा समिति जी गोपाला तो सीतामढ़ी जी तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करती है कि सरकार का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा संपन्न करावे। और थोड़ा सा अफसोस है कि विलम्ब से सरकार द्वारा निर्देश आया, पूजा में कुछ व्यवस्था कम गई है, फिर भी हम लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करने को तैयार कर रहे हैं। चरण चुनते हैं, चुनरी भी चढ़ाते हैं,
इसको जो हुआ सदा बात के सुमन लेकर आशीर्वाद लेकर विभाग से यह नमन करते हुए आगे चले जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा है और इसी आशीर्वाद के द्वारा यहाँ ग्रामवासी से लेकर जो भी बरपुता है उन लोग पूजा की है, आस्था के साथ रखे हैं और आस्था के साथ रहते हुए यह परम्परागत को निभाते हुए आगे तक चलेगा और माँ के आशीर्वाद यहाँ सदा कायम है और सदा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आशीर्वाद के द्वारा हम लोग क्या भाई मैंने 1989 मैंने 32वां साल से पूजा हो रहा है। अच्छा 32 साल से चल रहा है। 32 बरस से जी। अब माता का पूजा हम लोग चाह रहे हैं जब फिर आगे भी चलता रहे माता का दरबार से जाते रहे जी। इस बार का पूजा पिछले साल के पूजा में क्या अंतर है? इससे अच्छा है जी। और पूजा कौन करा रहे हैं? पूजा करा रहे हैं राजकुमार झा, प्रोहा के हैं, प्रोहा के पंडित जी। जी जी बोलिए बाबा। आते हैं, भीड़ रहती है, कल से लोगों को